वालेकुम आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो पर्सनालिटी से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी पर है जिसको ट्रेड थ्योरी भी कहा जाता है तो आइए इसकी आउटलाइन की तरफ चलते हैं इस वीडियो में हम लोग ये डिस्क्राइब करेंगे कि ट्रेड थ्योरी है क्या कौन से ऐसे तीन ज़रूरी क्राइटेरिया हैं जिस पर ये पूरी थ्योरी डिपेंड करती है किस तरीके से ये ट्रेड थ्योरी अट्ठारह हज़ार ट्रेड से बिग फाइव तक पहुंची बिग फाइव पर्सनैलिटी ट्रेड्स कौन कौन से हैं और ये किस तरीके से हमारी पर्सनैलिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं साइकोलॉजी हमें ये बताती है कि इंसान की पर्सनैलिटी जो है वो उनके ट्रेड्स पर डिपेंड करती है और हर इंसान में डिफरेंट ट्रेड्स पाए जाते हैं जो कि उनकी पर्सनैलिटी को नुमाया करते हैं अब ये ट्रेड्स दो चीज़ों पर डिपेंड करते हैं नंबर वन स्ट्रेंथ एंड नंबर टू इंटेंसिटी ऑफ दो ट्रेड्स ये दो चीज़ें मिलकर इंसान की पर्सनैलिटी को बनाती हैं बट इसमें तीन ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया हैं जिनका होना ही आपकी पर्सनालिटी को डिफाइन करता है नंबर वन कंसिस्टेंसी, नंबर टू स्टेबिलिटी एंड नंबर थ्री इंडिविजुअल डिफरेंसेस। सबसे पहले अगर मैं कंसिस्टेंसी की बात करूं, तो इसका मतलब ये है कि आपके ट्रेड से रिलेटेड जो भी बिहेवियर्स हैं वो सम हाउ कंसिस्टेंट हैं अक्रॉस द सिचुएशन फॉर एग्ज़ाम्पल इसका मतलब ये है कि अगर आप लोग घर पर टॉकेटिव हैं तो आप लोग वर्क प्लेस में भी उतना ही टॉकेटिव होंगे जितना आप लोग घर पर है सेकेंड अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूँ तो आपके बिहेवियर्स में जो ट्रेड्स नुमायाँ होंगे वो स्टेबल होते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जैसे हमने पीछे टॉकेटिव वाले एग्जाम्पल को डिस्कस किया इसका मतलब ये है कि अगर आप लोग थर्टी की एज में टॉकेटिव हैं तो आप लोग फोर्टी की एज में भी उतने ही टॉकेटिव होंगे तो दिस ट्रेट इज़ सम हाउ स्टेबल ओवर द पीरियड ऑफ टाइम थर्ड एंड द लास्ट वन इज़ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इंडिविजुअल डिफरेंसेस का मतलब ये होता है कि हर इंसान एक दूसरे से डिफरेंट होता है और हर इंसान में जो ट्रेट पाए जाते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी भी एक दूसरे से डिफरेंट होती है जो कि उनकी पर्सनैलिटी को प्रोमिनेंट करती है जैसे कि लास्ट एग्जाम्पल में हमने डिस्कस किया टोकटिवनेस को तो टोकटिव होना एक ट्रेट है लेकिन वो कितना ज़्यादा टोकटिव हैं वो हर इंसान में डिफरेंट है सो दिस इज़ कॉल्ड इंडिविजअल डिफ्रेंसेज सो एज़ वी हैव डिस्कस्ड इन द आउट लाइन कि किस तरीके से ये ट्रेड्स एटीन थाउजेंड से बिग फाइव पर्सनैलिटी ट्रेड्स तक पहुँचते हैं तो इनकी स्टोरी कुछ इस तरीके से है गॉडन एल्पर्ट जो कि ट्रेड थ्योरी के, के फाउंडर भी थे उस टाइम पर उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि अब इन ट्रेड्स को आइडेंटिफाई कैसे किया जाए उन्होंने अपने फ्रेंड ऑर्पड की मदद में नाइनटीन थर्टी सिक्स में एटीन थाउजेंड वर्ड्स की एक लिस्ट जनरेट की जो कि इंग्लिश एडजेक्टिव्स थे और वो लोगों को डिस्क्राइब करते थे स्टिल 18,000 थाउजेंड ट्रेड्स को मैनेज करना और वन बाय वन उनको स्टडी करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था जिसके बाद इस लिस्ट को रिड्यूस किया गया 4,500 ट्रेड्स पर लेकिन 4,500 फ़ाइव हंड्रेड ट्रेड्स भी मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था इस लिस्ट को और ज़्यादा मैनेजबल बनाने के लिए रेमंड कैटल ने 1946 और डेन 57 में इसको 16 फैक्टर्स पर मुश्तमिल कर दिया जिसको सिक्सटीन पी यानी यानि सिक्सटीन पर्सनैलिटी फैक्टर्स भी कहा जाता है लेटर साइकोलॉजिस्ट हैंस और सिबल आइसक ने इस परसनैलिटी को दो डायमेंशनस में डिवाइड कर दिया जिनके नाम हैं एक्सट्रोवर्जन इंट्रोवर्जन एंड न्यूरोटिसिज्म एंड स्टेबिलिटी एन अदर चैलेंज एट दैट टाइम वॉज़ कि ये सिक्सटीन फैक्टर्स बहुत ज़्यादा ब्रॉड थे और जो टू फैक्टर सिस्टम प्रपोज़ किया गया था वो बहुत ज़्यादा नैरो था क्योंकि आप इंसान की पर्सनैलिटी को सिर्फ इन दो डायमेंशनस पर बेस्ड नहीं करवा सकते थे जिसके नतीजे में ये फाइव फैक्टर मॉडल वजूद में आया जिसको बिग फाइव पर्सनैलिटी ट्रेड्स भी कहा जाता है मैक्रे और कॉस्टा ने 1987 में ये बिग फाइव पर्सनैलिटी ट्रेड्स मॉडल को इंट्रोड्यूस करवाया इंसान की पर्सनैलिटी जो है वो बहुत वाइड है और उसकी पर्सनैलिटी में बहुत सारे डिफरेंट फैक्टर्स आ जाते हैं जिसकी बेसिस पर ये बिग फाइव पर्सनैलिटी ट्रेड मॉडल इंट्रोड्यूस करवाया गया जो बिग फाइव पर्सनैलिटी ट्रेड का मकसद था वो ये था कि इन एक ट्रेड्स जो हैं वो एक कंटिन्यूम हैं डिफरेंट डायमेंशनस के यानी कि इन ट्रेड्स को इस तरीके से स्टडी किया जाएगा कि किस इंसान में ये ट्रेड्स ज़्यादा हैं और किस इंसान में ये ट्रेड्स कम हैं रादर देन कि आप इसको इस तरीके से स्टडी करेंगे कि किस में ये ट्रेड्स पाए जाते हैं और किस में ये ट्रेड्स बिल्कुल एबसेंट हैं फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इंट्रोवर्ड्स की बात करें तो वो बहुत क्वाइट होते हैं विड्रॉन होते हैं रिजर्व होते हैं ठीक है सिमिलरली एक्स्ट्रोवर्ड्स की बात करें तो वो आउट होते हैं सोशल होते हैं टॉकेटिव होते हैं बट हम इंट्रोवर्ड्स को और एक्स्ट्रोवर्ड्स को इन दो डायमेंशन पे सिर्फ आप पर्सनैलिटी को डिफाइन नहीं कर सकते रादर देन आपको आपको चाहिए कि आप एक कंटिन्यूम स्पेक्ट्रम लें जिसमें ये डिफरेंट फैक्टर्स आ जाएं बिकॉज ऐसे भी इंसान होते हैं जो आउट भी होते हैं जो रिजर्व भी रहते हैं सो so, हर इंसान में इन ट्रेड्स का या इन फैक्टर्स का हाई और लो होना बेसिकली उनकी पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब करता है सो so, अभी तक हमने ये डिस्कस किया कि किस तरीके से बिग फाइव ट्रेड्स जो हैं वो एटीन थाउजेंड ट्रेड से बिग फाइव तक पहुँचे अब हम इनके नेम्स को डिस्कस कर लेते हैं और ये डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरीके से ये बिग फाइव पर्सनैलिटी ट्रेड्स आपकी पर्सनैलिटी को इन्फ्लुंस करते हैं सबसे पहले इनके नेम देख लेते हैं अच्छा एक बिग फाइव ट्रेड की ये बात है कि आप इसको ओशन के नाम से भी याद कर सकते हैं ठीक है ओशन से आपको ये ईज़िली इनके नेम्स जो हैं वो रिमेंबर रहेंगे सो नंबर वन इज़ ओपनस टू एक्सपीरियंस नंबर टू इज़ कॉन्शियसनेस नंबर थ्री इज़ एक्स्ट्रा वर्जन या फिर एक्स्ट्रोवर्जन वर्जन नंबर फ़ोर इज़ एग्रीएबलनेस एंड नंबर फिफ्थ इज न्यूरोटिसिज्म सो एक इंपॉर्टेंट बात जो आपने याद रखनी है वो ये है कि ये पर्सनैलिटी ट्रेड जो हैं ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं दो एक्सट्रीम्स को ठीक है फॉर एग्जाम्पल एक्स्ट्रा वर्जन रिप्रजेंट्स अ कंटिन्यूएम बिटवीन एक्सट्रीम एक्स्ट्रा वर्जन एंड एक्सट्रीम इंट्रोवर्जन हम इस चीज़ को आगे जाके डिस्कस कर लेते हैं सो so, सबसे पहले हम अपने पहले ट्रेड की तरफ चलते हैं जो कि है ओपननेस टू एक्सपीरियंस जो लोग ओपननेस जिन में ये ट्रेड ज़्यादा पाया जाता है ओपननेस टू एक्सपीरियंस वाला वो बहुत ज़्यादा इमेजिनेटिव होते हैं बहुत इंसाइटफुल होते हैं उनको नई चीज़ें फैसिनेट करती हैं और उनके जो इंटरेस्ट होते हैं वो बहुत ब्रॉड रेंज के होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस होते हैं वर्ल्ड को लेकर और उनमें ये पैशन पाया जाता है कि वो नई चीज़ों को एक्सपीरियंस करें तो जैसा कि हमने डिस्कस किया कि हम ये देख रहे हैं कि अगर ये ट्रेड ज़्यादा होगा तो क्या होगा और अगर ये ट्रेड कम होगा तो क्या होगा सो so, अगर ओपननेस टू एक्सपीरियंस रेट एक इंसान में ज़्यादा पाया जाता है तो इसका मतलब ये है कि वो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है उसको अच्छा लगता है न्यू थिंग्स को ट्राई करना वो बहुत फोकस्ड है और उसको चैलेंजेस को फ़ेस करना आता है और वो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट को लेकर बहुत ज़्यादा इमेजिनेटिव होता है लाइक like, वो ये वो कॉन्सेप्ट्स की डेप्थ में जाके उनको समझने की कोशिश करता है सिमिलरली अगर एक इंसान में ये ट्रेड कम होगा तो उसको चेंज ज़्यादा फैसिनेट नहीं करेगा उसको चेंज अच्छा नहीं लगेगा ठीक है वो नई चीज़ों को इन्जॉय नहीं करेगा वो नए आइडियाज़ को भी रेजिस्ट करेगा वो बहुत ज़्यादा इमेजिनेटिव भी नहीं होगा और उसको एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट ज़्यादा फैसिनेट भी नहीं करेंगे सो आर नेक्स्ट ट्रेट इज़ कॉन्शियसनेस ओके सो अगर एक इंसान में ये ट्रेट पाया जाए तो उसके उसकी पर्सनैलिटी किस तरीके की होती है उसकी पर्सनैलिटी ऐसे होती है कि वो बहुत ज़्यादा थाटफुलनेस को पसंद करता है वो बहुत ज़्यादा उसका एक अच्छा कंट्रोल होता है अपनी इम्पल्सिस पर और उसका जो बिहेवियर होता है वो गोल डायरेक्टेड बिहेवियर होता है उसको ऑर्गेनाइज रहना अच्छा लगता है और वह वो डिटेल्स को लेकर बहुत ज़्यादा अटेंशन पे करता है राइट right? तो अब हम ये देखते हैं कि अगर तो ये ट्रेड ज़्यादा है तो क्या होगा और कम है तो क्या होगा ठीक है अगर तो ये ट्रेड ज़्यादा है इट मीन्स कि वो पहले से प्रिपेयर रहना पसंद करता है ठीक है उसको पहले से जैसे मैंने बताया आपको कि वो ऑर्गेनाइज रहना पसंद करता है इट मींस कि वो उस चीज़ के लिए पहले से चीज़ों के लिए प्रिपेयर रहना पसंद करता है उसको अच्छा लगता है कि वो अपने इम्पोर्टेंट टास्क को जल्दी से फिनिश कर ले ठीक है नंबर थर्ड इज़ वो अटेंशन पे करता है डिटेल्स को ठीक है और नंबर फोर्थ इज़ उसका एक केजुअल जो होता है वो सेट होता है ठीक है अगर कोई भी चीज़ डिसऑर्गेनाइज हो जाए तो वो उसको पसंद नहीं आती सिमिलरली अगर ये ट्रेड कम है तो वो बहुत ज़्यादा जैसे मैंने आपको बताया कि वो डिसऑर्गेनाइजेशन आ जाती है एक मेस क्रिएट हो जाता है ठीक है उसको अपनी बिलोंगिंग संभालने में और उसको वापस रखने में प्रॉब्लम होती है वो बहुत ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेट करता है यानी कि लेज़ीनेस शो करता है और कभी कभी इंपॉर्टेंट टास्क को कम्प्लीट करने में वो फेल भी हो जाता है सो आर थर्ड ट्रेट इज़ एक्स्ट्रा वर्जन या जिसको एक्स्ट्रो वर्जन भी कहा जाता है अच्छा जिन इंसान में ये ट्रेट पाया जाता है वो बहुत ज़्यादा सोशल होते हैं बहुत ज़्यादा टॉकटिव होते हैं अजर्टिवनेस होती है उनके अंदर और बहुत ज़्यादा एनर्जाइज और एक्साइटेड फ़ील करते हैं लोगों के दरमियान अपने आप को और एक उनकी बहुत अच्छी बात ये होती है कि उन्हें अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना आता है ठीक है तो अब हम ये देखते हैं कि अगर तो एक्स्ट्रा वर्जन का ट्रेट हाई है तो क्या होगा किस तरीके की पर्सनैलिटी होगी लो है तो क्या होगा राइट right? अगर तो हाई है इट मीन्स कि उनको सेंटर ऑफ अटेंशन बनना अच्छा लगता है ठीक है उनको नए दोस्त बनाना अच्छा लगता है और बहुत ईज़िली वो नए दोस्त बना लेते हैं उनका फ्रेंड सर्कल काफ़ी वाइड होता है ठीक है उनको अच्छा लगता है नए लोगों से बातें करना नए लोगों से मिलना ठीक है और वो बहुत ज़्यादा एनर्जाइज्ड फील करते हैं लोगों के दरमियान सिमिलरली अगर तो ये ट्रेड कम है एक इंसान के अंदर एक्सट्रो वर्जन वाला ट्रेट ठीक है तो वो प्रेफ़र करते हैं सोलिट्यूड को यानी कि उनको आम, अकेले रहना पसंद होता है ठीक है वो बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड फील करते हैं अगर तो वो बहुत ज़्यादा लोगों के दरम्या में हो या बहुत ज़्यादा सोशलाइज़ कर लें तो ठीक है उन्हें कन्वर्सेशन पहले स्टार्ट करने में डिफ़िकल्टी होती है आम, वो प्रेफर करते हैं कि वो बहुत ज़्यादा बात ना करें लोगों से यानी कि स्मॉल टॉक्स को वो प्रेफर करते हैं ठीक है और बहुत केयरफुल होते हैं कि उन्हें बोलना क्या है सो पहले बहुत ज़्यादा सोचते हैं देन फिर बोलते हैं और उन्हें सेंटर ऑफ अटेंशन बनने में कोई दिलचस्पी नहीं होती ओके सो द फोर्थ ट्रेड इज एग्रीएबलनेस जिन लोगों में ये ट्रेड पाया जाता है उनकी पर्सनैलिटी के जो एट्रीब्यूट्स होते हैं वो कुछ इस तरीके के होते हैं कि उनमें काइंड kind, काइंडनेस होती है काइंड हार्टेड होते हैं वो लोग अफेक्शन शो करते हैं लोगों को लेकर और डिफरेंट प्रो सोशल बिहेवियर्स में उनकी इन्वॉलमेंट um, होती है ठीक है प्रो सोशल बिहेवियर्स वो होते हैं कि आप लोगों की मदद करते हैं इन um, रिटर्न कुछ भी उनसे मांगे बगैर ठीक है आप लोगों की बस मदद करते हैं और उसका जो मकसद होता है वो सिर्फ मदद करना होता है ठीक है दैट्स इट तो जिन लोगों में ये ट्रेड पाया जाता है वो बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव होते हैं अगर तो इस ट्रेड की आम, आप टेंडेंसी की बात कर लें अगर तो ज़्यादा होती है तो वो बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव होते हैं ठीक है और अगर तो ये पर्सनैलिटी ट्रेड जो है वो कहीं पर आम, जिन जिन इंसान में अगर ये लो है तो फिर वो बहुत ज़्यादा कम्पेटिटिव हो जाते हैं और समटाइम्स मैनिपुलेटिव भी हो जाते हैं राइट तो इसके हाई और लोज़ चेक कर लेते हैं अगर तो ये ट्रेड ज़्यादा है तो वो अच्छे तरीके से लोगों के साथ डील करते हैं ठीक है उनको इंटरेस्ट होता है लोगों के अंदर उनके कंसर्न्स क्या हैं उनकी है, केयर करना लोगों की केयर करना उनके डिफ़रेंट प्रॉब्लम्स में उनकी हेल्प करना तो अगर तो ये ट्रेड ज़्यादा है तो देन वो काइंड हार्टेड होते हैं आ, और एम्पथी फील करते हैं ठीक है लोगों को लेकर और उनको अच्छा लगता है लोगों की हेल्प करना वो इंजॉय करते हैं और असिस्ट करते हैं लोगों को इन डिफरेंट एक्टिविटीज़ अगर तो वो कहीं फंस जाए तो उनकी हेल्प कर देते हैं सिमिलरली अगर तो ये ट्रेड लो है तो वो ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते दूसरे लोगों के अंदर ठीक है वो उन इतनी केयर भी नहीं करते कि अगला बंदा किस तरीके से फ़ील कर रहा है इसी तरह से उनके जो लोगों के जो डिफरेंट प्रॉब्लम्स चल रहे होते हैं उनके अंदर भी उनका बहुत ज़्यादा लिटिल इंटरेस्ट होता है समटाइम्स वो लोगों को इंसल्ट कर देते हैं ठीक है और समटाइम्स जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि मेनोपलेटिव ट्रेट उनके अंदर आ जाता है मेनोपलेट करते हैं सो आर लास्ट ट्रेट इज़ न्यूरोटिसिज्म ठीक है so, अगर तो हम न्यूरोटिसिज्म की बात करें तो ये जो ट्रेट है और इस कैटेगरी में जो लोग फॉल करते हैं उनके अंदर सैडनेस पाई जाती है उनके मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं और इमोशनल इंस्टेबिलिटी होती है लाइक उनको अपने इमोशंस रेगुलेट करने में डिफ़िकल्टी आ रही होती है ठीक है और सिमिलरली अगर तो एक इंसान में ये ट्रेट हाई है सो तो वो बहुत ज़्यादा एनशियस होता है बहुत जल्दी इरीटेट हो जाता है और एक सैडनेस का भी फ़ीचर उसके अंदर आता है ठीक है इसी तरीके से अगर तो ये ट्रेट जो है वो एक इंसान में आ, कम है तो वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है उसको पता है कि उसने अपने इमोशंस को किस तरीके से रेगुलेट करना है और उसके अंदर रिजिलियंस होती है ठीक है यानी कि ही नोज़ के अपने आ, फेलियर से सीखना और अपने सेटबैक्स से किस तरीके से आपने कम बैक करना है तो वो उस चीज़ का उसको आइडिया होता है ठीक है अगर हम लोग इसके हाई और लोज़ को देखें तो अगर तो न्यूरोटिसिज्म का ट्रेट एक इंसान में हाई है तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस एक्सपीरियंस करता है बहुत जल्दी परेशान हो जाता है डिफरेंट चीज़ों को लेकर बहुत जल्दी अपसेट हो जाता है उसके एक ड्रामेटिक शिफ्ट आते हैं मूड में ठीक है उसके मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं बहुत ज़्यादा एंशियस फील करता है और उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है कि कोई भी स्ट्रेसफुल इवेंट हो या कोई भी फेलियर हो उससे देन कम बैक करना इसमें उसको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है ठीक है अगर तो ये न्यूरोटिसिज्म का ट्रेड लो है एक इंसान में तो उसको वो जो होता है इमोशनली स्टेबल होता है राइट उसको पता होता है कि उसने अपने इमोशंस को किस तरीके से रेगुलेट करना है डिफरेंट सिचुएशंस में किस तरीके से रिएक्ट करना है ठीक है उसको अपने स्ट्रेस के साथ डील कर करना आता है और वो बहुत ज़्यादा लेस डिप्रेस्ड फील करता है या सैडनेस का फीचर उसमें कम होता है ठीक है और रिलैक्सड किस्म की उसकी पर्सनैलिटी होती है ठीक है तो ये हमने बिग फाइव पर्सनैलिटी ट्रेड्स जो थे वो डिस्कस कर लिए और इसको आप ओशन से भी याद रख सकते हैं जैसे कि हमने एक ईज़ी और सिंपल मेथड से इसको याद रखा एंड देन ये सारा इसको हमने एक्सप्लेन कर दिया सो so, ये थी आज की वीडियो थैंक्स वाचिंग वॉचिंग हाफिज